यार ये क्या हालत हो गई है इस जगह की। रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और ये पूरा पौधा जो है, ये पूरा जो दरख्त है, इसने अपने सारे तिनके नीचे गिरा दिए हैं। अब कुछ ही बाकी हैं और अब देखिए ना, ऊपर से दोबारा ये नए नए निकाल रहा है और बहुत ही माशाल्लाह प्यारा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। ये तो ये सारा इसने निकाला है। आज रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है और यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप देखें यहाँ पर ये प्लास्टिक हट गया है यहाँ से, ऊपर से ठीक है और हर तरफ ही कीचड़ बना हुआ है। सारी जगह गीली है, थोड़ी सूख भी गई है और मुर्गियां भी सारी देखें गीली हो चुकी हैं। यहाँ पर वो देखें पानी जमा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस हमारे ब्लॉग पीछे नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से, उसकी वजह थी कि मेरी तबीयत कुछ दिन ख़राब रही है और ये वजह थी और बस यही वजह थी। तो अभी एक काम करते हैं, सारी सफाई करते हैं और इसमें से मैं सोच रहा हूँ इधर, हाँ ये तोड़े में ना, इधर सुनो कुछ जो है तिनके हम स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेंगे ताकि जो है बाद में हम इनके लिए नेस्टिंग मटेरियल इनको दिया करें। और जो बाकी बच जाएगा ना, बहुत ज़्यादा है ये जो बच जाएगा, वो फिर हम जला देते हैं या आग लगा देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं, क्योंकि देखे ना वहाँ पर भी इतना सारा कट है, तो ये बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो मुर्गियों को दाना देने की बारी है। ये इसमें थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, ये रात को यहाँ पर रखा हुआ था, बारिश की वजह से इसमें पानी इकट्ठा हो गया। तो अभी मुर्गियों को दाना दे देते हैं। ये सारी मेरा ही वेट कर रही थी। आ जाओ, क्या हुआ? गीला है बस और कुछ नहीं है, लगता है इन्हें भूख नहीं लगी। क्या वजह है, भूख नहीं लगी तुम लोगों को? मैंने यहाँ पर इनके लिए दाना डाल दिया है और अब मैं निकल जाता हूँ, ये खुद ही खा लेंगी। और अभी बारी है कबूतरों को देने की। यार गैस ये वाला जो हमारा पेड़ है ना, ये देखिए ये वाला, इसको तकरीबन यहाँ पर आए हुए 3 माह हो चुके हैं, 3 माह से भी शायद ज़्यादा टाइम हो गया हो, पर अभी तक ना ये फीमेल अंडे दे रही है। ये लोग मेटिंग कर रहे हैं अच्छे से, ये बहुत ही अच्छा पेड़ लगा हुआ है पर बिल्कुल ना अंडे दे रहे हैं ना बच्चे, कुछ भी नहीं है। इनका नेस्टिंग किया था इन्होंने अपने घर में, और पता नहीं नेस्टिंग अब कहाँ गई वहाँ से। शायद ये वाली कबूतरी ने उठा ली, देखे ना ये अंडों पर शायद अंडा दिया है इसने, नहीं 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 अंडा नहीं है पर बैठी हुई है, इसने नेस्ट बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। और हमारे किंग पिजन जो हैं ये दोनों, ये भी अंडा नहीं दे रहे, काफ़ी टाइम हो गया इन्हें भी। तो यार दे दो अंडा, कब देना है, इतनी देर लगा रहे हो। तो अभी हम ये वाला सारा जो तिनके गिरे हैं ना इस वाले दरख्त के, ये सारे अभी हम जमा करेंगे और इन्हें आग लगाएंगे, कुछ थोड़ा सा स्टोर भी करेंगे अपने नेस्टिंग मटेरियल के लिए। तो ये करके आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल डाल देता हूँ, शायद से वो कबूतरी नेस्टिंग मटेरियल इकट्ठा कर ले। अभी ये लो, ऐसे फैला के डालेंगे ताकि ये लोग जमा कर लें। वो कबूतर तो आ रहा है, वो देखें ये लोग बाहर आना चाहते हैं। नहीं नहीं तुम लोग अभी अंदर ही रहो, हम पहले सफाई कर लें फिर इनको बाहर निकालेंगे। नेस्टिंग जमा करो यार, अंडे दो जल्दी। चलो भाई लगाओ अभी ने आग। ये गाइस हमने सारा ढेर कर लिया, वो देखें सारा बिल्कुल साफ कर दिए। तो अभी ये पेट्रोल है और मैं एक स्टीम करने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ इधर है, थोड़ा यहाँ पर छिड़केंगे। सारा छिड़क दिया है, थोड़ा छिड़को, लाइन बना के यहाँ तक ले आओ। अब यहाँ पर आग लगाएंगे, जल्दी करो, लगी नहीं अभी तक। ओए वो देखो कहाँ तक पहुँच गई है, दो मिनट में। यहाँ तक तो फिश पड़ रही है। साउंड सुना था तुमने, कैसा आवाज आई है, अजीब सी वैसे आवाज़। तो अभी मैं जा रहा हूँ तोतों के पिंजरे के अंदर। यार ये भी सेट करना है इधर, आ को भी ठीक कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं जो अंदर जाने वाला हूँ वो इसलिए क्योंकि वो लाइट जो है ना, ये वाली ये लाइट ख़राब है, इसके शायद पीछे से तार निकल गई क्योंकि अतीक ने उस दिन खींची थी, है तो इसको जाके ठीक करते हैं। यार इसको पकड़ो, हेलो। तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद इन दो बॉक्सेस में भी बच्चे आ गए हों, पर पहले मैं इसको देख लूँ, दाना इसका है, पानी नहीं है,
पानी इसको दे देते हैं। बाहर तो ठीक है, फिर क्या मसला है? वो पहले नीचे खा रहे नुमा नहीं, अब खाना शुरू हो गए हैं। अरे यार गाइस, अभी मैं इसको ठीक कर रहा था और मैंने क्या देखा है, ये देखें गाइस, यहाँ पर क्या हालत की हुई है इन्होंने तार की। ये देखें यार, अगर ये लोग एक लाइट हम आज जलाते तो यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होना था और इस वजह से ये लाइट चल नहीं थी रही। यार यार ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं ये तोते हमारे। पहले भी इन्होंने तार कुतर दी थी यहाँ से, ये तार देख रहे हैं टेप की हुई है, ये अब हमने ठीक की थी तो अब यहाँ पर भी ये खाना शुरू हो गए हैं। यार ये कुछ बहुत रिस्की काम है, अगर आज हम इसको चलाते तो ये तोते हमारे मर भी सकते थे, क्योंकि पूरा केज जो है ये लोहे का है और पूरे ने जो है आज करंट हो जाना था और सब ने मर जाना था। अल्लाह ने बचा लिया इन्हें फिर से, पहले भी इसी तरह हुआ था। तो इसको अभी हम हल करते हैं कुछ, इसको ठीक करते हैं और इस पूरे को जो है ना कोई हल करते हैं यार इसका। आज इसको या तो बाहर निकाल देंगे या फिर इस तरह से जब बिल्कुल जोड़ देंगे ताकि ये लोग वो फ्रेम ले आएंगे, वो जो प्लास्टिक का फ्रेम नहीं होता तारों के लिए होता है नहीं, वो नहीं ठीक इधर, वो लगेगा ही नहीं। थोड़ा एक काम करते हैं ना, ये तार बाहर से निकालते हैं, केज के ऊपर से तार निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर से निकाल कर यहाँ से निकाल लेंगे, वहाँ पर ये नहीं खा पाएंगे। तो गाइस अभी मैं जो है तोतों के बच्चे चेक करने वाला हूँ, ये वाले तोते के तो बच्चे हैं ऑलरेडी। इधर से देखो कैसे सेल आ रही है अपना। दो मिनट बाजी, हमें आपके बच्चे देखने हैं, दो मिनट जरा हमें देखने दीजिए। ओ गुस्सा देखो कितने, माशाल्लाह देखें कितने बड़े हो गए हैं। आंखें खुली हैं या नहीं अभी तक? नहीं आंखें नहीं खुली ना, छोड़ो मां मारेगी। चलो बस ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम रहो उधर ही। और यहाँ पर भी तोती बैठी हुई है, इसके देखते हैं बच्चे निकले हैं या नहीं। हाँ जी, क्या कंडीशन है? बच्चे शायद हैं। यार जरा दो मिनट हिलो तो अपनी जगह से। नहीं अंडे ही होंगे, अंडे ही होंगे। हाँ अंडे हैं, यहाँ से देखे ना अंडे नजर आ रहे हैं, वो देखे अंडे हैं। इसको भी बंद कर देते हैं। अभी इस वाले बॉक्स की बारी है, तुम तो हटो। यहाँ पर क्या कंडीशन है? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे निकल आ चुके हैं यहाँ पर। देखें ये माँ बाप दोनों हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये बच्चे को हुआ क्या है? ये ठीक है, हाँ ये देखिए, एक दो बच्चे हैं यहाँ पर, दो या तीन है शायद। माशाल्लाह माशाल्लाह से गाइस हमारे यहाँ पर भी बच्चे आ चुके हैं, और यानी तकरीबन दो पेयर्स के बच्चे हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, ये हमने आज ही देखे हैं, हमें पहले नहीं था इनका पता। अच्छा ये किसने, सरप्राइज ही मिला है। ये फेंकते रहते हैं, और यार इनको भी फीड डालो जल्दी से, ये मुझे लग रहा है भूख की वजह से इन्होंने वो तार कुतरी है। आ जाओ भाई आ जाओ, सबको खाना मिल रहा है नीचे, आ जाओ जाओ यार, खाने का टाइम है, सब लोग जाओ खाना खाओ। और अभी जो है हमें इस तार को भी ठीक करना होगा, शाम हो रही है क्योंकि अभी लाइट्स जलाएंगे ना यहाँ पर, तो ये तार ठीक करनी पड़ेगी, इसको पहले ठीक कर देते हैं। ये क्या ले आया? ये मैं चावल लेकर आया उनके लिए, ऑब्वियसली। चावल कहाँ खाते हैं ये पागल इंसान, इससे अच्छा जा बिरयानी ला दे फिर, बिरयानी खाओगे? चल जा डाल दे, उबले हुए हैं। यार मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ, ये चावल डालने लगा इन्हें, तो यहाँ पर थोड़े से डाल के देख, अगर खाते हैं तो हो सकता है सॉफ्ट फूड के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, तो अभी मैं जल्दी से कर देता हूँ वरना तब तक लाइट नहीं यहाँ पर लगेगी, अंधेरा होने वाला है बहुत, तो ये करके आपसे मिलता हूँ। गाइस फाइनली तार लगा दिए, देखें यहाँ पर भी मैंने सेटिंग कर दी अच्छे से, तो अभी चलते हैं बाहर और इसको चलाते हैं। इधर रुको, ये सब ये जो सब कुछ फैलाए ये पकड़ो ना, तोते अगले दिन कारीगर बने होंगे। शाम हो गई है यार, हर
ये तो ऊपर करो, इतना टाइम लगाया तुमने इस छोटी सी चीज पे, इतना टाइम छोटी सी चीज, तू कर दे जा, गर्मी नहीं देख रहा यार, ये क्या मसला है, अभी मैंने ठीक किया, इतनी मेहनत से इतना घंटा पूरा एक लगाया इसको यार, और ये फिर नहीं चली, पता नहीं क्यों, कारीगरी सही नहीं है, सड़ तो नहीं गई किधर लाइट, सड़ी हुई ना लाइट तो तू गया यार, ये वाली लाइट्स क्यों नहीं जलाता तू, अंधेरा है यहाँ पर काफ़ी, मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर जो है हमें शावर चलाना है जिससे जो है घास को पानी लग जाए। तो लाइट्स चल गई हैं, अभी जो है यहाँ पर जो है वो चला देते हैं फवारा, किधर रखा है इसने, ये रही वो चीज़ जो हमने मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई थी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, डंडा क्या चेक करो ये खाओ मोटे अगर लगा होता ना मुझे फिर मैं बताता तुझे, अभी जा पाइप लेके इसको पाइप के आगे फिट करना है, फिर इसको यहाँ पर सेट करके आपको दिखाते हैं, इसको हमने यहाँ पर सेट किया है कि बड़ी मुश्किल से, तो इसको भी हम यहाँ पर चला देते हैं, चला दे, खुल गया, थोड़ा टाइट बांधना पड़ेगा वरना ये खुल जाता है, अभी खुल गया, मसला हो गया जल्दी यार इसको टाइट करें, फिर यार सारा गीला हो गया यार, इसको ऊपर नहीं लगाते, इधर ही घास में लगा देते हैं, ऊपर नहीं ठीक, तो गाइस हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया है और अभी इसको चला के देखते हैं, चला दे, मैं पीछे हो जाता हूँ, ये बड़ी दूर तक पानी मारता है, चेक करें गाइस माशाल्लाह, ओए ओए उस तरफ नहीं था जाना, हाँ ठीक है ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, ये पूरा गोल घूम रहा है यार, इसको मैंने सेट किया था, वहाँ नहीं जाना, इसकी सेटिंग होनी है ये वाला, इसको मैं थोड़ा उधर को कर देता हूँ, हाँ बती की तरफ जाएगा यार ये दुख हो ही नहीं रहा, हाँ ठीक है अब ठीक है, अभी सिर्फ आगे कोई पानी देगा घास में, तो वहाँ पर हमारा फुवारा हर तरफ पानी दे रहा है, देखें अच्छे से इसने पूरे घास को गीला कर दिया क्या छेड़ रहा है यार ये गड़बड़, तो गाइस आज की वीडियो बस यही तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कि पाइप ना काफी मोटा हुआ था, मैंने ना थोड़ा सा यार ये सारा यहाँ से निकला है मोटर से, तो फवारे को हमने ना फुल असल में प्रेशर ज़्यादा दे दिया था, यहाँ पर दो वाल है, हमने दोनों ही खोल दी क्योंकि प्रेशर फुल आ जाता है फिर उससे, तो हम पहले हल्के प्रेशर पे चला रहे थे, अब हमने फुल कर दिया था, वो हमने गलती की है, तो अभी वापस उसको ठीक कर यार।